दीपावली के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में खरगोन बस स्टैंड पर एक बस से 6 क्विंटल मावा पकड़ा जाकर सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने पर कुक्षी से खरगोन आई बस से मावा जब्त किया गया, जिसका कोई मालिक अब तक सामने नहीं आया। जब्त मावे को कार्यालय ले जाया जाएगा। अगर वहां भी कोई इस मावे की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं होता है तो उक्त मावे को नगर पालिका के द्वारा नष्ट किया जाएगा। हम सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमको लग रहा था कि कोई नकली मावा यहां पर कोई सप्लाई कर रहा है, और उसी तत्वाधान में हमने बहुत सारी बसों की चेकिंग की और हमको एक बस से उतरते हुए 5.5 क्विंटल मावा मिला है और इसको मीठे मावा कहा जा रहा है और इसकी हम जांच करवाएंगे। जांच में मालूम चलेगा कि ये खाने योग्य है या नहीं। प्रथम दृष्टया सर ये किसका मावा है और कौन मालिक है इसका? प्रथम दृष्टया ये मालूम नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसका कोई मालिकाना हक के लिए ना तो ये मालूम चल पा रहा है कि किसने भेजा है और ना ही ये मालूम चला है कि ये किसको सप्लाई किया जा रहा था। इस पर कुछ कंटेंट फ्री प्रोडक्ट कुक्षी का एड्रेस लिखा हुआ है और बैग पर खंडवा लिखा हुआ है। संभवतः ये बड़वानी से या कुक्षी से होते हुए खंडवा जा रहा था, तो हमने इसको रास्ते में जब्त किया है। अगर कोई मालिक आता है तो हम इसका सैंपल लेके इसकी जांच कराएंगे। खरगोन से शकील शेख की रिपोर्ट।